गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम लोग पढ़ेंगे यू प्लेक टेल के बारे में, ठीक है। इसके जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइकॉन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे यू प्लेक टेल के बारे में, या उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, सेंट पोरिफेरा के जो जनरल कैरेक्टर थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसी का एक हमने उदाहरण दिया था, क्या साइकॉन दिया था। आज उसका सेकंड उदाहरण है क्या, यू प्लेक टेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं वीनस की डालियां बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम ये जान लें कि वीनस की जो डालियां होती हैं ना बहुत ही खूबसूरत और चमकीली होती हैं। कैसी, बहुत ही खूबसूरत धागेनुमा संरचना होती है जो बेहद ही क्या होती हैं, आकर्षक होती हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं वर्गीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं ये क्या लिखा है, जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम। तो क्या है इसका, शाखा पैराजोआ, इंग्लिश में बोले तो ब्रांच पैराजोआ, ओके। क्या है, जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम, ब्रांच पैराजोआ, ठीक है, हिंदी में तो लिखा ही। अब संघ, या इसी को बोलते हैं क्या, संघ को क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। तो बेटा फाइलम क्या है, पोरी फेरा है, क्या है, पोरी फेरा है। आप लोग जानते हैं पोरी फेरा में कैसे जंतु आते हैं, जिनके शरीर में क्या होता है, छिद्र होता है, कैसा छिद्र होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पोरी फेरा के जितने भी जो जंतु होते हैं उनके शरीर में सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं ना। तो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यू प्लेक टेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग वीनस की डालियां कहते हैं, ठीक है। इसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो क्या भाई, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये संघ क्या है, संघ को इंग्लिश में फाइलम, और जंतु जगत को एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो जो जंतु जगत है या एनिमल किंगडम है वो क्या है, ब्रांच पैराजोआ है, या शाखा पैराजोआ है। और फाइलम क्या है इसका, पोरी फेरा है, मैंने बताया कि पोरी फेरा में ऐसे जीव आते हैं जिनके शरीर पे क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ओके, ठीक है। अब इसके हम लोग देखेंगे सामान्य लक्षण क्या है, ठीक है, सामान्य, ठीक है, सामान्य लक्षण ना, सामान्य लक्षण के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, सामान्य लक्षण इसके क्या है, ठीक है। तो बच्चों सामान्य लक्षण इसके हैं, इसका शरीर कैसा होता है, इसका शरीर होता है लगभग कितने सेमी, 30 सेमी लंबा होता है, कितना, 30 सेमी, कितना बेटा, 30 सेमी क्या होता है, 30 सेमी लंबा होता है, कितना होता है, 30 सेमी लंबा होता है, ठीक है। फिर तो इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं ना। सामान्य लक्षण, तो बेटा क्या बताया मैंने इसमें, मैंने इसमें बताया कि ये कितने सेंटीमीटर के, 30 सेंटीमीटर के होते हैं, वो भी कैसे, लंबी संरचना होती है वो, लंबी संरचना और पतली तथा नालवत होती है। कैसी होती है, इनकी जो लंबाई होती है ना वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, लंबी 30 सेंटीमीटर लंबी पतली नालवत, नालवत ना, 30 सेमी लंबी पतली नालवत संरचना होती है, क्या होती है, संरचना, संरचना होती है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबी पतली नालवत संरचना होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो होते हैं ना,
ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। कैसे, जैसे कि फिगर बना हुआ देख रहे हैं कितने आकर्षक है ना, और कैसे होते हैं गुलदस्ते के जैसे होते हैं ना। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये बहुत ही आकर्षक बेहद सुंदर चमकीले ना, तो क्या बताएंगे, ये जो होते हैं ना ये बहुत ही सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं, मतलब मान लीजिए एकदम आकर्षक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके विद्यालय में एक संग्रहालय बना होगा बड़ा सा ना, एक संग्रहालय बना होगा बड़ा सा जिसमें एक सुंदर सी छवि ना, एक सुंदर सी चमकीली और लंबी डालियों जैसी क्या होगी, संरचना होगी। ठीक है, या कंकाल होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सुंदरता की क्या बोलते हैं, देवी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुंदरता की, सुंदरता, सुंदरता की, सुंदरता की देवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुंदरता की देवी बोलते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुंदरता की देवी बोलते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस की, फूलों की डालियां कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीनस की, फूलों की डालियां बोलते हैं ना। ये कैसे होते हैं, इनकी मतलब क्या पूछ रहा है, समान लक्षण बताओ, तो हम इनके समान लक्षण, जैसे हम, जैसे हम किसी का भी कोई समान लक्षण बताएंगे ना, तो उसने बताएंगे वो लंबा चौड़ा बहुत ही आकर्षक हैंडसम, वैसे क्या है इसके भी बताएंगे कि ये क्या होता है, बहुत ही सुंदर और चमकीली क्या होती है, इसकी संरचना होती है जो कि काफ़ी क्या होती है, आकर्षक होती है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुंदरता की देवी बोलते हैं, या वीनस की फूलों की क्या बोलते हैं, डालियां बोलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसे हम लोग ना घरों में सजावट का भी काम करते हैं, ये क्या करती हैं, ये सजावट के लिए क्या होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्या करते हैं हम लोग इसे घर में क्या करते हैं, सजाने के कार्य में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत ही आकर्षक होती है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं वीनस फ्लावर बॉक्स बास्केट, क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, वीनस की फूलों की डालियां, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। ओके ठीक है, अब भैया ये पाई कहाँ जाती है, तो ये जापान, कहाँ, जापान के कुछ निकटवर्ती गहरे समुद्री तल में क्या होती है, ये पाई जाती है, ये नियर अबाउट कहाँ पाई जाती है, जापान में पाई जाती है, जो जापान के कुछ निकटवर्ती क्या देशों में ना ये पाई जाती है, कहाँ, गहरे समुद्र तल में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, गहरे समुद्र तल में पाई जाती है, जो कैसी होती है, चमकीली तथा धागेनुमा संरचना होती है इनकी, कैसी होती है, चमकीले तथा धागेनुमा इनकी क्या होती है बेटा, संरचना होती है ना। फिर हमने बताया कि इनका शरीर कितना 30 सेमी लंबा, ठीक, पतला लंबवत तथा थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ, तो देखो ना झुका हुआ है ना, थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है, तो इनका शरीर 30 सेमी लंबा पतला नालवत और थोड़ा सा झुका हुआ, वो भी आकर्षक। ठीक है, तो ये हुआ, और फिर आगे आते हैं, इसकी जो देह भित्त होती है ना, इसकी जो देह भित्त होती है वो कैसी होती है, वो भी होती है पतली, लेकिन ल्यूकान नली प्रणाली के अनुसार इनकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। ओके, पुनः एक बार फिर से देखो, इनकी जो देह भित्त होती है ना वो कैसी होती है, पतली होती है, इनकी देह भित्त कैसी होती है, पतली, लेकिन ल्यूकान नाल प्रणाली के अनुसार कैसी होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी जटिल होती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने जाना और इसके कुछ उपयोग जान लेते हैं, तो बेटा इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग प्रायः सजावट के काम में
इसका उपयोग किया जाता है ना। ये आप फिगर देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस की डालियां बोलते हैं ना, या यूप्लेक्टेला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूप्लेक्टेला का ये क्या है, कंकाल है। ये यूप्लेक्टेला का क्या है, कंकाल है। क्या है बेटा, कंकाल, ठीक है। देखो हमने सोचा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि किसी का कंकाल क्या होगा, इतना खूबसूरत होगा ना। किसी का कंकाल क्या खूबसूरत होता है, हम लोगों का अगर कंकाल देखा जाए तो क्या खूबसूरत होगा, बिल्कुल भद्दा लगता है। पर यूप्लेक्टेल का कैसा होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। ज्यादातर लोग इसे क्या करते हैं, सजावट के काम में प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो ओवरऑल हमने जाना यूप्लेक्टेला के बारे में, उसका वर्गीकरण जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जंतु जगत जिसे इंग्लिश में एनिमल किंगडम बोलते हैं, जो किसमें है, शाखा पैराजोआ, तो इसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रांच पैराजोआ बोलेंगे। संघ क्या है, फाइलम है, और इसी को क्या बोलते हैं, पोरी फेरा बोलते हैं, ठीक है। फिर समान लक्षण, तो मैंने बताया ना कि इनके समान लक्षण क्या होते हैं, इनका शरीर बहुत है, इनका शरीर 30 सेमी लंबा पतला नालवत संरचना होती है, और ये कैसे होते हैं, सुंदरता की देवी कहा जाता है। क्या होते हैं, सुंदरता की देवी, मतलब बहुत ही आकर्षक होते हैं, इसीलिए तो हम इसका सजावट में प्रयोग करते हैं। अगर क्या कूड़ा का बाड़ा थोड़ी ना रखेंगे, ये खूब अच्छी होती है, सुंदर होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सजावट में भी प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, जापान के जो निकटवर्ती कुछ देश है ना, उनके समुद्र में गहरे तल में ये पाई जाती है, ठीक है। जो कैसी संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।